आज के अंक में हम बात करने वाले हैं अवध ओझा सर की। अवध ओझा सर जिनकी पहचान है यूपीएससी के बच्चों को तैयारी कराने को लेकर। आपने कई सोशल मीडिया में उनके वीडियोस देखे होंगे जो बहुत से वायरल होते हैं, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उनके नाम की चर्चा इस समय है राजनीति को लेकर। इस तरह के कयास हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं कि वो राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं। बीजेपी हो सकता है उन्हें कैसरगंज से टिकट दे सकती है, और कैसरगंज की बात सामने आती है तो वो पारंपरिक सीट है ब्रजभूषण शरण सिंह की। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया कि दो लिस्ट सामने आ चुकी हैं बीजेपी की, और इन लिस्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। संभावना इस बात की जरूर है कि उनके परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है या अगला कदम कुछ और भी हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। लेकिन इस सीट पर अवध ओझा का नाम सामने आता है, और अवध ओझा जो एक तरीके से सोशल मीडिया के दौर में द्रोणाचार्य की उपाधि उनको मिल चुकी है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं सोशल मीडिया में जिनके वीडियोस सिर्फ सोशल मीडिया में स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं बल्कि आम नागरिक भी देख रहे हैं, क्योंकि रोचक तरीके से विषय को पढ़ाने के लिए उनकी ख्याति है। सर पर गमछा बांधकर अनोखे अंदाज में आते हैं, किसी भी विषय में वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं वो विषयांतर भी हो जाती है। डोकलाम को लेकर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो या धर्म ग्रंथों को लेकर हो, श्री कृष्ण को लेकर हो, कई बातें उन्होंने रखी हैं। कैसरगंज में उनकी दावेदारी को लेकर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जब ये सवाल उनसे कई बार पूछा गया तो साफ तौर पर उन्होंने इनकार नहीं किया। एक तरीके से जिसे कहते हैं पूर्ण विराम लगाना, कोई पूर्ण विराम नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और ये सवाल बरकरार है कि क्या अवध ओझा इस बार बीजेपी की टिकट से कैसरगंज से उतर सकते हैं या फिर इलाहाबाद की सीट उनको मिल सकती है। तो इस खबर को लेकर जो हमें जानकारी है कि ऐसा कुछ नहीं है, और एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप जाते हैं, आप ट्विटर पर जाएंगे और आप अवध ओझा की प्रोफाइल में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और यही अंदाज उनका इस विषय को लेकर नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार नहीं किया। हालांकि एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट होती है एक न्यूज चैनल की तरफ से, जिसमें एक दावा किया जाता है कि डर की वजह से वो शायद यहां से चुनाव ना लड़े, तो उस पर वो दावेदारी से और जिस तरह का अंदाज है अवध ओझा का, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर इस तरीके से बोला जाएगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन इस बात से एक तरीके से साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। वो एक तरीके से मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं, उनको पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। लेकिन हमें जो जानकारी है, बीजेपी ने स्क्रीनिंग जो की है वहां पर अवध ओझा का नाम इस सीट को लेकर और इलाहाबाद की सीट को लेकर नहीं है। तो फिलहाल ये कयासों पर विराम लग जाना चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं लगेगा या तो जब तक सीट को लेकर कोई नाम सामने नहीं आता या अवध ओझा सामने आकर ये नहीं कहते हैं कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अवध ओझा जो आम तौर पर अपने बयानों को लेकर या जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, वो एक स्टाइल को लेकर चर्चा में रहते हैं, वो ये कह चुके हैं इससे पहले कि उनका मकसद राजनीति में आने का नहीं है। हालांकि वो ये सोच जरूर रखते हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्धजीवी जो लोग हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उनका मकसद है कि अच्छे स्कूल्स खोले जाएं, अच्छी शिक्षा दी जाए, युवकों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो देश और समाज के काम आ सकें। राजनीति भी देश की सेवा करने का एक माध्यम है, जिसको वो मानते पूरी तरीके से, लेकिन यहां पर उनका आने का मकसद नहीं है। कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं, कई नीतियों को लेकर आलोचना करते नजर आते हैं। फिलहाल इस तरह का कोई बयान उनका भी सामने नजर नहीं आया जिसमें वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, इसको लेकर उन्होंने कोई इशारा किया हो। तो कैसरगंज में उनकी दावेदारी या उनके नाम की जो चर्चाएं अटकलें हैं वो पूरी तरीके से निराधार नजर आती हैं।